इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होते हैं जो हमें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाते हैं। जूनोटिक डिजीज वो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेबीज, प्लेग, सार्स। वायरस एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो पौधों से लेके एनिमल्स तक, यहाँ तक के बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकता है। इसे सिर्फ लिविंग सेल्स चाहिए होते हैं। ये टाइनी जर्म्स प्रोटीन कोटिंग के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। इनसे कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी हल्की बीमारियों से लेकर स्मॉल पॉक्स, इबोला, डेंगू जैसे सीवियर बीमारी भी हो जाती हैं। वायरसेस हाईजैकर्स होते हैं। वो लिविंग सेल्स पर अटैक करके उनके अंदर अपनी कॉपीज बनाते हैं और फिर उस सेल को डैमेज कर देते हैं। इसी तरह जब सेल और टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं तो वायरस के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस 2 हफ्ते तक रहते हैं, पर कुछ हाई फाई वायरल इन्फेक्शंस इससे ज़्यादा दिन तक परेशान कर सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है। हाई इम्यूनिटी वाले जल्दी रिकवर कर जाते हैं, वहीं वीक इम्यून सिस्टम वालों को थोड़ा वक्त लगता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज। ये कंटीजियस होते हैं, यानी कि वो एक से दूसरे को इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर और लोअर पार्ट को अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू, सार्स और COVID-19। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वायरल डिजीज। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट करते हैं, जिससे स्टमक फ्लू की प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट है एजेंथेमेटिस वायरल डिजीज। इस वायरस की वजह से स्किन पे रैशेज और मम्स जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसका इजी अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। नेक्स्ट वन इज हेपेटिक वायरल डिजीज। इससे लीवर में स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस डिजीज इज हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। हेमरेजिक वायरल डिजीज। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं और सीवियर कंडीशंस में ये मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इबोला, डेंगू फीवर, लासा फीवर, येलो फीवर।